देखिए, 6 महीने एक आदमी मेहनत करे है, एक किसान, एक जमींदार अपने खेत में काम करे है, धरती बावे है, बीज बोवे है, पानी देवे है, खाद गेरे है, और पूरे 6 महीने के बाद इंतजार करे है कि तेरे घर में फसल आओगी, उसने बेचूंगा, तेरा घर चल लगा, खर्चा चल लगा, बच्चों की फीस दी जाओगी, ब्याह शादी करी जाओगी, 100 खर्चे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार आप खबरों में देखने लग रहे हो, किसान सिर्फ खून के आंसू रोए है, उसके सपने उसकी आंखों के सामने जल जाए हैं। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, सातौर गांव है चरखी दादरी जिले का, यहां किसान के सपने तो जड़े ही जड़े, साथ में किसान भी जल गया। आप ये फोटो देखने लाग रहे हो, इसको ध्यान से देखो, इस फोटो में किसान भुगड़ा जैसे बूंद जा रहा है ना, चना जैसे बूंद जा रहा है, वैसे बूंद गया। और क्यों बूंद गया? कारण, क्योंकि इस पे इसकी खेती जलती देखी ना गई। जो कारण, बालक से जड़े हैं, जब खेती जड़े है, 6 महीने की मेहनत जड़ा है। आप एक बार दिखा दो भाई साहब, नीचे दिखाओ। ये वही अन्न है जिसको बेच के एक किसान अपना घर, अपना परिवार, अपनी 6 महीने की मेहनत लेकर घर आ बड़ा है, और सिर्फ इसी पर आश्रय है, वही नहीं बची। 42-43 साल का एक किसान कल यहां अग्निदेव की बलि चढ़ा, सातौर गांव में, चरखी दादरी का गांव है सातौर। हुआ कैसे, ये हादसा कैसे घटा, पता कैसे लगा, सारी चीजें, गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, राम राम। राम राम। हाँ ठीक हो, स्वस्थ हो? ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो ये कितने बजे की बात है जब ये हादसा हुआ? ये 2:15 बजे की बात है, दिन में, दोपहर में। हाँ, दोपहर बाद। अच्छा, आग कैसे लगी? आग का कारणों का पता नहीं चला अभी तक, कोई भी, हाँ कोई भी पता नहीं चला है कैसे लगी। लगभग कितने एकड़ जले? ये लगभग 8 एकड़ फसल बर्बाद होगी। लगभग, आइडिया नहीं है, मुआयना लग रहा है। मुआयना होने लग रहा है अभी। अच्छा, सारी फसल खड़ी थी, गेहूं थे? हाँ, गेहूं थे, जो थे, जो थे, जो और गेहूं दोनों थी। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो गुजरा है, जो इस आग को बुझाने में जिसने अपनी आहुति दी है, ये कौन था, नाम क्या था इसका? जयप्रकाश नाम था। हाँ, मेरे चाचा का बेटा था, ये खेत में अपने काम कर रहा था, यही था? यही था। अच्छा, और पता नहीं ये आग लगी, उन्होंने सोचा अगर भाई आग लगी, इसने बुझाने की कोशिश की, लेकिन पड़ गया। हाँ, तेज हवा, यही मतलब डोले पकड़े होगी, उसने बुझाने की कोशिश की, तेज हवा की लपट ने उसे घेर लिया। जो एक मतलब गांव आया है, हम भी थे साथ में, लेकिन हमें उसमें पता नहीं अभी कैसे क्या है। यहाँ से दल के आगे जाली ने जब पता चला है अगर भाई दड़ गया, मानस है कोई? हाँ, मान से दड़ गया। ठीक ठीक फिर हमने करा भाई, मारा खेत मारा था, हमने तसली करी, देखा तो भाई मारा है पाया फिर वो। ठीक है। अच्छा, गांव में वो उस टाइम पर खेत में अकेला था? हाँ, अकेला था, तो कारण पता नहीं। हाँ, कारण भाई पता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता। लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी तार तो मैं दो तार नजर नहीं आ रहा कि भाई कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो नेचुरल कारण तो कुछ नहीं बेरा भाई, किसी ने ला भी दी हो और भाई किसी पर गलती से ला, गलती से कोई बीड़ी बाड़ी कोई पीमता हो, कुछ ला गया हो, उसके कुछ भी हो उसके। अच्छा, ये जो भाई गुजरा है, इसकी उम्र 42-43 साल? हाँ, 45-46 साल थी। 45-46 साल। अच्छा, शादीशुदा था ना? हैवी वाइट था, हैवी वाइट। जब भाई साहब, तो मेरी बात हो, ये बता रहे थे रस्ते में कि भाई स्टार्टिंग में जब डेड बॉडी एक खेत के बीच में जब कंट्रोल हो लिया और न्यू खाली जगह हो ली, तो खेत के बीच में दिखी। हाँ, उस डोले के पास, उस डोले के पास वो डेड बॉडी दिखी, तो चौंक गए भाई, यो कौन है? हाँ, मैं बैठा था वहाँ इस मंडी के पास, यहाँ से पूछ के वहाँ मैं बैठा था, मैं डीसी ऑफिस में फोन कर रहा था। हाँ भाई, कर्मचारियों को बताया भी ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसको ऊपर कंट्रोल करो, और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। जब ती बेरा नहीं था भाई, मानस हाँ, भी नहीं, तो मेरे को यहाँ से आवाज लगाई सरपंच साहब, कोई तो आदमी से सामने आ गई, देखा तो वो फूल गया था, पहचान में मारा भी नहीं आया, मारा भाई से ही हो। लेकिन बाद में हमने तसल्ली की, घर तो बोले भाई खेत में जा रहा थे, फिर मारा तसल्ली होगी, फिर वो जो टी शर्ट वो पहन रहा था ना पेंट,
उसमें से कुछ होगा, कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा बच रहा था यहाँ से, हाँ जिसे पहचान में आया। तो उसके बाद फिर पुलिस बुलाई, एफएसएल आई, फोरेंसिक एफएसएल भी आई थी, ठीक है, जांच हुई है सारी, सारी। तो बाद में बेरा लगा भाई महाराज है। तो इसमें आपने जैसे बताया भाई, आप विभाग में बात करने लग रहे थे, कोई पटवारी कुछ आज कुछ तो कुछ आए नहीं, कल हम पोस्टमार्टम कराए थे, वहां तहसीलदार भी आया था और पटवारी भी आया था, अधिकारी आए थे, कुछ मंत्री एमएलए ये भी आए थे, लेकिन वो सांत्वना दे रहे थे कि जो काम जो सदोदाय था हुआगा, अंतिम संस्कार आज हुआ है कल नहीं, कल हो जाए शाम, ठीक है। तो अब लगभग 7 से 8 एकड़ का नुकसान तो खरा हो गया, खरा, और एक जान गई है, एक जान गई, तो इसके परिवार को भी मुआवजा चाहिए। और ये जिन किसानों के जितने भी भाई नुकसान हुआ है ये भी इसकी भी भरपाई होनी चाहिए, जी, नहीं तो किसानों के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल, तो स्कूल की फीस कहाँ से मिलेगी बच्चों को, परिवार भी देखे दो दो दुख हो गए, इन तो लोग बाट देखे दे भाई फसल आओगी, ये खर्चे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एक घर में तो जान चली गई, परिवार भी घर बैठ गया 6 महीने का, एक आदमी ने तो हमारी मतलब जो जमीन थी वो अपनी माल ने ले रखी थी, वो तो गरीब आदमी था, वो तो कल रोवे रोवे था, उसके दड़े पड़े नहीं है, ये माल ने ले रखे थे हमारे के लिए, उसकी आज थी, वो कल रोवे रोवे था, अरे दादा हम के कराए, वो भी थारा भी समाधान कुछ करेंगे, काम है कुछ सरकार मदद करेगी, कुछ हम भी अपनी तरफ से याद करांगा बच्चे ऊपर, गांव राम बैठा है इसी बात ना। अच्छा गांव का जैसे अपने गांव है सातोर गांव है, जब आग का बेरा पट्टा, तो गांव का क्या रुख था, गांव का रुख था 15-20 ट्रैक्टर भी आए थे, और गांव तो करीबन करीबन 80% गांव आ रहा था, सारा गांव मदद में था, मदद में था, मतलब हंडा हंडा तो आग रोकी है, कंट्रोल होया है, कंट्रोल होया है, नहीं तो अभी तो हवा बदली होगी, नहीं तो ये गांव की तरफ चल दी थी, फिर ये इस बल की हवा होगी, फिर ये इस बल तो चल गए, ये हमारे लगते हैं नहीं हमारे के लिए, ये छह सात ये सारे मतलब ये मारने दे रखे थे, ये भी मारने जा रहे थे, इनकी तो बर्बादी होगी। प्रधान जी मैं तो कहूंगा जिस भाई को आप लोगों ने माल पे दे रखा है सोचियो, हाँ हम उनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार से भी गुहार कर रहे हैं, सरकार से भी, मैं कितनी सरकार के लिए स्पेशल आए हैं, यो तो मारे आए थे कि भाई ना तो भाई जिंदा और ना कि उल्टे हुए, हमारा काम है सिर्फ गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना, उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना कि थारी जरा सी लग गई, थारी तो कितनी जरा सी लग गई, गुजारा हो जाएगा इसका भाई। बिल्कुल, और ये खून के असुर रोकण में जो आपकी जो भूमिका है ना वो और किसी की नहीं है। इस लड़के ने जो ये ले रखे थे ना माल ने जी, उस लड़के से आया को नहीं गया, कैसे वो रोवा था, कैसे वो तू बैठ जा कोई बात को नहीं, वो संतुष्टि कर दे कोई बात को नहीं, तो चल गया, ये उल्टा होना नहीं, वो भाई कुछ हम मदद करेंगे, कुछ सरकार से करवाओ, पता लगा ना, फिर रोना बंद कर गया, भाई भी आज क्यों गया, भाई क्यों गया, गया भाई भी गया, ये भी हो भी गया, तो सबसे बड़ा दुख देखो पैसे का दुख तो आदमी सह जाए फिर भी, तो क्या कितके और नुकसान हो जाए इंसान का, फिर वो भूल गया सारा के लेकिन जब भाई मर गया बराबर में तो फिर के रह गया, क्यों भूल जाए है, फिर याद आ जाए, दुख बदल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जवान मौत, जवान मौत का, लेकिन देखिए कोई भी हादसा है ये घटा है जैसे भी घटा है, अब तो उस परिवार को भी भाई गवर्नमेंट ने मुआवजा जरूर देना चाहिए, और इतना मुआवजा देना चाहिए कि भाई उसका परिवार जो है इस दुख से भी उभर है, जो ये खेतों में नुकसान हो रहा है, और इतना भी कि भाई एक जान कम से कम उसकी जान की कुछ तो वैल्यू लग गए, कुछ तो इब तो वो है नहीं कम तक कम है, तो उसका इस परिवार को मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। और देखो उम्मीद मैंने फिर दिखाई थी, ये देख लो, ये है उम्मीद, ये दाने देखो, और दाना अब की बार जी प्रधान जी बहुत अच्छा था, बढ़िया बहुत अच्छा जड़ा था, इसी बात नहीं है, 70-70 कम किला था ही नहीं की बार, मतलब और सबसे ज्यादा जड़े भी गले हैं, निपो खूब बढ़िया था जी, राम भी गले पड़ रहा है, 60-65 ये निकले थे, किसान अगर नहीं सारी सिस्टम हो रहे चार रोड, बेचारा किसान तो कितने भी सही नहीं है, वो बाट देखी जा कर बरस जाएगा थी, आज इस बात के मारे हमारे मतलब खेत पलित्रम है 10-15 किले, उन माँ भी गया था मैं मोटरसाइकिल लेके आया हूँ, आप आए ना, जब आया हूँ मैं तो मैं गया था, मैं भैया तो चढ़ के
लेकिन ये तूड़ी बना दो, कटवा दो दिए, लेकिन की तूड़ी बना गई और घर ही डाल दो। बिल्कुल हाँ, पशुओं को चारा भी चाहिएगा, बर्बाद हो गया, बर्बाद तो तूड़ी तूड़ी पास रहेगी। लेकिन एक बात यह है जी प्रधान जी, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, देखे एक समय वो है, देखो मैं कहता ना बतम बीड़ी सिगरेट भाई ये ओके छोड़ो, क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं मानता नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो समय जरूर देख लिया करो कि भाई तेरी 84 सुई की अणी टका इतनी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर पूरे गांव पर भार पड़ सका है। हाँ तो ये छोटी मोटी गलती किसी की थी क्या, गांव ने भार पड़ी थी, एक मानस मर गया और यो नाश नारा हो रहा, वो अरकति मामूली सी अगली की तो जरा ही लगी है, यो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो भाई हरियाणा गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस परिवार को आकर संभालो। सातोर गांव, चरखी दादरी जिले का गांव सातोर, ये कोई कौन सा हलका पड़े पता नहीं, ये दादरी, दादरी हलके में, हाँ लोकसभा महेंद्रगढ़ जी। तो भाई शेयर करो वीडियो को, हाल फिलहाल मैं सातोर गांव में हूँ और लगातार वीडियो आप देखने लग रहे हो। आज एक और प्रधान जी, मैम क्षेत्र का गांव है गंगानगर तीतरी, वहां भी एक एकड़ जली है, कंट्रोल हो गया। और कल मैम का ही गांव है बडाली का आगरा भैनी सुरजन, 15 एकड़ जमीन जल गई जी, ऐसे ही 15 एकड़ खड़े गेहूं के नुकसान हो गया। और वहां भी मैंने देखा किए गजब का लान था, रगड़े हैं। शेयर कर दो वीडियो को, राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते। रुको रुको, इस वीडियो को स्किप मत करो, कंटिन्यू देखते रहो। अगर आप भी स्मार्टफोन से घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं मेरी तरह, जैसे मैं कमा रही हूँ, आप भी कमा सकते हैं। पीसीएल रोहतक ऑफिस जो सभी के लिए ऐसी नौकरी लेके आया घर बैठे पैसे कमाने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।